तीन दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव के इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे साथ माननीय मंत्री सत्यनारायण भोक्ता जी, हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय श्री सुनील कुमार सिंह जी, विधायक श्री किशुन प्रसाद दास जी, विधायक उमाशंकर अकेला जी, हमारे साथ उपस्थित पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख जी, उत्तरी छोटा नागपुर उपायुक्त श्री रविंद्र कुमार जी, विशेष रूप से यहां उपस्थित इटखोरी प्रखंड के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री विद्यानंद झा जी एवं जिला के प्रशासन के पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित सभी महानुभावों, विभिन्न जगहों से आए हुए, मंदिर मठों से आए हुए आप सभी सम्मानित सदस्यगण, आपका यहां धर्मों के समागम संगम इटखोरी में हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपनी ओर से जोहार करता हूं। वैसे तो यहां मुझे पहले भी आने का मौका मिला है, लेकिन आज यहां के इस महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आया हूं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मां भद्रकाली के आशीर्वाद से जो कुछ ही दिन पहले मुझे यहां आने का मौका मिला था, आज मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने आपके सामने मुझे लाके खड़ा किया। आप सब जानते हैं झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसकी एक अलग पहचान, अलग संस्कृति, अलग सभ्यता के साथ, परंपरागत व्यवस्थाओं के साथ, कई चीजों को लेकर इसकी एक अलग पहचान है। आमतौर पर इस राज्य को खनिज संपदा से भरपूर राज्य कहते हैं। कई मायने में आंदोलनकारियों का एक पूरा प्रदेश के रूप में इस राज्य को जाना जाता है, लेकिन मैं जहां तक क्षेत्र भ्रमण में लगभग राज्य का हर कोना घुमा हुआ हूं, मुझे लगता है कि खनिज संपदा ही मात्र नहीं, शायद एक एक करके गिने तो समय भी हम गिनती भी नहीं कर पाए। आज खनिज संपदा के नाम पर, प्राकृतिक सौंदर्य के नाम पर और धार्मिक स्थलों के नाम पर भी आज लगातार पुरातत्व विभाग के तरफ से, हमारे कई जानकार सहयोगियों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारियां मुझे प्राप्त हो रही हैं जहां मुझे लगता है कि यहां पर इतिहास के कई ऐसी कहानियां छुपी पड़ी हैं जिन्हें अभी और उसे समझना पड़ेगा, समझने की आवश्यकता है। आज यहीं बगल में बोध गया है, आज हम इटखोरी में खड़े हैं। आज बोध गया और इटखोरी का जो कनेक्टिविटी है,
वो काफी ही सुगम और बेहतर हुआ है। आज मुझे जानकारी मिला है कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे बौद्धिस्ट भाई भी यहां उपस्थित हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि आप सब लोग आज इस महोत्सव का एक हिस्सा बने हैं, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और कई ऐसे हमारे यहां धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो रजरप्पा कहें, चाहे वो देवघर बाबा धाम कहें, चाहे देवड़ी मंदिर कहें, और अभी एक और जगह का आप लोगों ने यहां पर एक और धर्मस्थल का नाम बताया है, कालेश्वरी का जी के मंदिर का। निश्चित रूप से मैंने कुछ इस विषय पर सोच रखा है, अभी मैं चाहूंगा कि मैं उस बात का अगर ना, अभी मैं उन सब चीजों पर चिंतन मंथन पर हूं। हम अपने इस राज्य में जो इस तरीके से धार्मिक स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, उन सभी को जिस तरीके से मैं समझता हूं आज खनिज के नाम पर पूरा राज्य जाना जाता है, हमारे धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल के नाम पर भी ये देश पर पहले नंबर पर नाम आए, ऐसा हम लोग व्यवस्था करें। आज हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य की कमी नहीं है, आज यहां की संस्कृति का तो कहना ही क्या। जिसको लोग कहते हैं, हमारे यहां तो पद्मश्री भी उपस्थित है, मधु मंसूरी साहब, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से प्राकृतिक और यहां के संस्कृति और यहां के रहने वाले लोगों को एक साथ बांधा है संगीत के माध्यम से। और यहाँ का तो संस्कृति ऐसा है, व्यवस्था को, यहाँ की परंपरा को, इसको भी हम लोग बेहतर करेंगे। आज विशेष अभी माँ की कृपा से बहुत चंद दिन हुए हैं हमारे सरकार के गठन को, और हम आज मां भद्रकाली से यही आशीर्वाद मांगेंगे कि इस राज्य के हर व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान हो, यहां का हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अपनी परंपरा और व्यवस्था के माध्यम से आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आज के इस महोत्सव के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, जोहार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आप हमसे गहरे गहरे जुड़े, इटखोरी वैश्विक पर्यटन स्थल पर आगे आए, आपका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहे, इसी कामना के साथ हम सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त चित्रा से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर वर्धन शॉल, ये स्मृति चिन्ह, और ये खास तौर पर ये मंदिर का जो स्मृति चिन्ह है, मोमेंटो है, उससे देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर वर्धन करने की कृपा की जाए। उपायुक्त महोदय से मेरा निवेदन होगा। उपायुक्त चित्रा अपनी संस्कृति को सहेजने की शानदार और ईमानदार कोशिशें, ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे बीच वो शख्सियत है जिन्हें हम शिक्षाविद कहते हैं, जिन्होंने सरकार के कई, भारत सरकार के द्वारा कई सम्मानों से नवाजा गया, संस्कृति मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, राजभाषा विभाग भारत सरकार द्वारा साहित्य शिखर सम्मान 2020 से सम्मानित किए गए, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव जिन्होंने कई वर्षों तक इटखोरी में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य किया, और जब इटखोरी से मां भद्रकाली की मूर्ति चोरी हुई थी उन्हें पुनः पाने के लिए और पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, आज उनके प्रयासों को हम सम्मानित करते हैं। निवेदन करना चाहती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया विद्यानंद झा,
डॉक्टर पंडित विद्यानंद जी का आदर वर्धन यहां पर करने की कृपा की जाए। ये सम्मान उस विभूति को जिन्होंने झारखंड के लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम किया है और खास तौर पर इस इटखोरी के लिए 1968 के बीच में। आज एक अभिभावक के रूप में चाहूंगे आपके जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डॉक्टर पंडित विद्यानंद झा शिक्षाविद